ओ भाई साहब, एक बहुत दिल को छूने वाली खबर गदर टू को लेकर मैं आपसे लेकर के आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए। और ये गदर टू का आखिरी वीडियो होने जा रहा है। बताती हूँ आपको न्यूज़ के बारे में, क्या पता चला है सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जी हाँ, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मुझे लग रहा था आज के दिन, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी एक्चुअली कि गदर की शोज़ पता चलें, लेकिन आज के दिन बहुत बड़ा चेंज हो गया है। जो हमने प्लानिंग की थी, सोचा था दशहरे पर एक बार फिर से कलेक्शंस में उछाल आएगा, वो सब होता हुआ अब नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, सही सुना है आपने और सही समझ चुके हैं आप अब तक। गदर टू का कल आखिरी दिन था। जी हाँ, आज के बाद गदर टू हट चुकी है थिएटर से। और फाइनली खुशी इस बात की है, 70 दिन कंप्लीट करने के बाद, 70 डेज, अ ग्लोरियस रन 70 डेज का करने के बाद, गदर टू फाइनली अब थिएटर से हट चुकी है। रीज़न, बहुत सारे रीजन्स हैं। बहुत सारी नई फिल्में आई हैं, बहुत सारी नई फिल्में रिलीज़ हुई हैं आज के दिन। आज के दिन गणपत रिलीज़ हुई, आज के दिन तेलुगु फिल्में 2-3 रिलीज़ हुई हैं, आज के दिन कन्नड़ा फिल्म ऑलरेडी चली रही हैं। लियो के शो काउंट्स बढ़ चुके हैं, जवान के शो काउंट्स तो पहले से थे ही, उनमें ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है, बल्कि लियो के शो काउंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि हिंदी में डिमांड बढ़ गई है। बहुत सारे ये सब रीजंस हैं, पहले से भी कई सारी फिल्में चल रही हैं, तो इसी के चलते गदर टू फाइनली थिएटर्स से उतर चुकी है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं और खुशी बेहद इस बात की है कि क्या ज़बरदस्त पारी खेली है गदर टू ने, सनी पाजी ने। मतलब शायद कह सकते हैं उनके बर्थडे तक का ही, उनके जन्मदिन तक का ही इंतज़ार हो रहा था। 70वां दिन कंप्लीट हुआ, 71वां दिन आज मैं सोच रही थी आपसे मैं शेयर करूंगी 71st डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, या फिर मेकर्स हमसे कम से कम शेयर करेंगे कि भाई कितनी अब तक कलेक्शन हुई है। वो सब कुछ भी अभी नहीं हुआ है। पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, मेकर्स कुछ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सनी पाजी का कल का जो मैंने एक जो उनका केक था वो 525 का आंकड़ा दिखा रहा था, उससे आगे का आंकड़ा नहीं दिखा रहा था, विच मीन्स कि कलेक्शन इसका मतलब और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। शॉकर है, जी हाँ बिल्कुल शॉकर है। लग रहा था कि दशहरे पर, दिवाली पर बहुत अच्छी अच्छी और चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन हम भूल गए थे कि बहुत सारी और फिल्में भी आ रही हैं। बट इट्स ओके, OTT पर गदर टू ऑलरेडी अवेलेबल है। आज आखिरी दिन आपसे गदर की बात करने का, जनता जनार्दन, मेरे बहुत सारे किए जो वर्ड्स हैं जो आप लोग मुझे बोलते भी हो, वो अब एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सो आई जस्ट होप कि अब जल्दी मुलाकात होगी सनी पाजी के, और वीडियोस लेकर सनी पाजी के और अपडेट्स लेकर। वैसे तो मैं बहुत सारे दिन में अपडेट्स डालती रहती हूँ, लेकिन सनी पाजी की गदर ने एक अलग बॉन्ड, कहते हैं जिसको, वो फॉर्म कर दिया था। बट इट्स ओके, अब ये तो नियति है, हर चीज़ चेंज होती रहती है, नई चीज़ें आती रहती हैं। अब मैं नई फिल्मों का वेट कर रही हूँ, सनी पाजी की जो आने वाली फिल्में हैं उनके अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती रहूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम शॉक में चले गए हैं, लेकिन यही हुआ है, दिस इज़ ट्रू। सो लेट्स सेलिब्रेट द लॉन्ग ग्लोरियस रन जो भी गदर टू का, 70 दिनों का एक लंबी पारी जो इसने खेली और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा और उसके बाद अपनी जगह बनाई। तो मुझे लगता है बहुत ही सेलिब्रेशन वाला भी मोड है। आगे चलकर देखते हैं क्या कुछ होता है। मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, कनेक्टेड हूँ, आप भी मुझसे चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट्स आपको मिलते ही रहते हैं दिन में कई सारे। तो मुझे उम्मीद है आगे चल के जल्दी से जल्दी हमको सनी पाजी की अगली फिल्म के बारे में कुछ पता ज़रूर चलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोर फाइन शेयर।